दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G और ये इसका रिव्यू है। हिंदी में इसको रिव्यू करेंगे और जी हाँ, ये फ़ोन जो है इस तरह से पीछे से ग्लो करता है। खैर, इस फ़ोन में इसके ग्लोइंग के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है इस वीडियो में। इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और फिर आपको सारी चीज़ें कम्प्लीट इन डेप्थ जो भी मैं आपको बता सकता हूँ इसके एक एक फीचर वो आपको मैं बताऊँगा। बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखता है, बॉक्स वैसे ही पुराना है जो हम पिछले 3-4 वर्जन से देख रहे हैं। रेनो 4 भी ये था, 5 भी ये था, 6 भी ये है, तो सारे यही बॉक्सेस हैं। थोड़ा अगर ओप्पो बदलाव करे तो अच्छा होगा। हाउएवर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं बॉक्स पे जो कि लगभग यूजलेस सी हैं। खैर, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि लेफ्ट राइट में आपको ओप्पो लिखा हुआ मिल जाता है। इसकी सील को यहाँ पर जो है ब्रेक कर लेते हैं। मैंने ऑफलाइन मार्केट से इस मोबाइल फ़ोन को परचेज कराया। पीछे एंड्रॉयड लिखा है, 256 GB की इसमें स्टोरेज मिल जाती है, साथ ही इसमें 12 GB की रैम मिलती है। और जैसे ही आप इसको खोलते हैं आपको एक और अंदर छोटा सा बॉक्स मिलता है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इसके अंदर आप पाएंगे कि आपको यहाँ पर एक कवर मिल जाता है, एक सिम इजेक्शन टूल मिल जाता है जो कि काफ़ी सही रहता है कि आजकल ये आपको मिल रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसे सुनने में आया है कि ये भी मिलने बंद हो जाएंगे मोबाइल फ़ोन्स में। चलिए देखते हैं कब तक हो पाता है। खैर, आप देख सकते हैं कवर की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। सिलिकन ट्रांसपेरेंट कवर आपको यहाँ पर मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा आपको फाइनली आपका फ़ोन मिलता है जो कि मुझे उल्टा रखा हुआ मिला है। पता नहीं ये क्या दिक्कत थी, ये पैकेजिंग के टाइम कोई दिक्कत हुई होगी क्योंकि फ़ोन जो है उल्टा रखा था। एनीवेज, उस पर बाद में आएंगे। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं कार्डबोर्ड को और फाइनली हमको हमारा चार्जर मिल जाता है। ये चार्जर जो है एक 65 वॉट का चार्जर है और कंपनी क्लेम करती है कि 100% चार्ज 31 मिनट में हो जाएगा। कितना वक्त लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर और स्पेसिफिकेशन चार्जर के बारे में पढ़नी है तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। 65 वॉट का ये चार्जर है और इस फ़ोन में आपको 4500 mAh की 4500 mAh की बैटरी मिलती है। फाइनली आपको यहाँ पर आपका चार्जिंग केबल मिल जाता है जो कि है USB 2.0 टाइप सी नहीं है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। हाउएवर, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी यहाँ पर मिलेगी और ईयरफोन्स नहीं मिलेंगे। बॉक्स के अंदर सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी। फाइनली अपने फ़ोन का ये जो रैपर है इसको यहाँ पर हटा लेते हैं और इसे जैसे ही आप इसे बाहर निकालेंगे आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा स्टार लाइट ब्लैक कलर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ ग्लिटरिश सा यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है और ये देखने में लगेगा कि ये कुछ टेक्सचर है, कुछ रगेडनेस होगी, ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एकदम क्लियर मैट फिनिश आपको यहाँ पर मिलती है, काफ़ी स्मूथ रहता है और कुछ ऐसा फ़ोन दिखता है। मुझे पर्सनली ये उतना अच्छा नहीं लगा, बट आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। आपको इसमें एक ब्लू कलर भी मिलेगा, गोल्ड भी मिलेगा, लीग ऑफ लेजेंड्स भी मिलेगा, लेकिन ब्लू और ब्लैक जो है मोस्ट कॉमन यहाँ पर आपको कलर्स मिलते हैं। पीछे आप देख सकते हैं आपको 50 MP का कैमरा मिलता है F1.8 अपर्चर के साथ। 8 MP का कैमरा भी आपको मिलेगा F2.2 अपर्चर के साथ और 2 MP का F2.4 अपर्चर के साथ कैमरा मिलेगा। लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स मिलेंगे, ऊपर में आपको एक माइक्रोफोन मिलेगा सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन के लिए। राइट साइड में पावर बटन मिलेगा, नीचे आपको टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। नैनो सिम ट्रे मिलेगी, डुअल सिम ट्रे है और स्पीकर्स मिल जाएंगे। पीछे कैमरा आपको कैसा मिलता है वो मैंने बता दिया है। सामने 32 MP का कैमरा F2.4 अपर्चर के साथ मिलेगा और यहाँ पर आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी प्री मिल जाता है, वो आपको चीज़ें बता देते हैं। अच्छा, फ्रंट में आप सिर्फ फुल HD वीडियो जो है 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाएंगे जो कि खराब बात है। एटलीस्ट 60 FPS होता और इनफैक्ट 4K होना चाहिए था तो अच्छा रहता। जैसे मैंने आपको बताया पीछे काफ़ी स्मूथ है, सिर्फ लगता है कि कुछ अलग सा यहाँ पर टेक्सचर दिया गया होगा, लेकिन काफ़ी स्मूथ यहाँ पर मैट फिनिश आपको मिल जाती है। कैमरा के अराउंड भी सेम मटेरियल का यूज़ किया गया है और आप इसमें रेयर कैमरा से 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K भी 60 FPS तक नहीं कर सकते। एक और कैमरा के बारे में ख़राब बातें, तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ। AI पोर्ट्रेट कैम ये बोल रहा है, बेसिकली ये AI के थ्रू जो है आपका जो ब्लर है वो क्रिएट कर देता है और ऐसा कुछ कंपनी क्लेम करती है कि बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप जो है ऑन पेपर इतना अच्छा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वैसे कैसा होगा। मैं आपको सैम्पल्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जितना बुरा लग रहा है उतना भी नहीं और बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है जितना आप बाकी रिव्यूज़ में इस फ़ोन की तारीफ सुनेंगे। एनीवेज, हमने इसको पहली बार बूटअप कर लिया और आप देख सकते हैं दुनिया भर का ब्लॉटवेयर आपको यहाँ पर मिलेगा। बहुत सारे यूजलेस ऐप्स जो हैं आपको प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर मिलेंगे, अमेजोन, स्नैपचैट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और ये तो चलिए कुछ कुछ तो यूज़ वाले भी हैं, लेकिन डेली हंट, जोश, ये बहुत ज़्यादा यूजलेस ऐप्स है। और कुछ ऐसे हॉट ऐप्स जैसे सेक्शन जो है ये आप नहीं हटा सकते, लिंक्डइन, और आपको यहाँ पर अमेजोन म्यूजिक मिलेगा, प्राइम वीडियोज़ मिलेगा, बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे। हाउएवर, मैक्सिमम ऑफ देम आर आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वैसे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे। एनीवेज, ऊपर से आप स्वाइप करेंगे तो आपको सर्च ऑप्शन मिल जाएगा जैसे आईफोन में होता है और नीचे स्वाइप करेंगे तो आपकी कंप्लीट ऐप ट्रे आपको मिल जाएगी, सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ये 6.55 इंचेस के डिस्प्ले है जो कि फुल HD डिस्प्ले है, 402 PPI डेंसिटी के साथ आती है। ये एमोलेड डिस्प्ले है, 90Hz HDR10+ 500 nits तक की इसकी ब्राइटनेस है और पीक जो है वो 800 nits तक जा सकती है।
HBM में, और यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम पीक जो जाएगी वो 920 निट्स तक जाएगी, ऐसा ऑन पेपर कहा जा रहा है। वैसे एक नॉर्मल फुल एचडी डिस्प्ले है, इतना जितना बोला गया है ऑन पेपर उतना आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस को जो है थोड़ा सा सही से कंट्रोल करते हैं, ऊपर से स्वाइप करेंगे तो आपको आपको क्विक टॉगल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको सच बताऊँ तो कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये O1 अल्ट्रा विजन मिलेगा। बेसिकली जब भी आप अपने फ़ोन में वीडियो चलाएंगे, चाहे यूट्यूब पे चलाएं कहीं भी चलाएं, उसे थोड़ा सा इन्हांस कर देगा, थोड़ा सा शार्प कर देगा, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी वीडियो देखने में, थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी और कुछ आपको नहीं मिलता है, वही डार्क मोड लाइट मोड वाली चीज़ें हैं। आई कंफर्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। आई कंफर्ट हम जानते हैं, आई कंफर्ट ऑन करते हैं तो ये ब्लू लाइट फिल्टर की तरह काम करता है, यानी यहाँ पर जो है आपकी जो वार्मथ होती है स्क्रीन में वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। और कुछ यहाँ पर नया नहीं मिलता, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन शॉट वगैरह जैसे जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक अलग सी चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिली, ब्लैक स्क्रीन मोड। ये कुछ भी नहीं है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह जब फ़ोन नहीं चलाएंगे आप तो यहाँ पर ये इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा, टाइम लिखा हुआ आएगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये नहीं है, लेकिन उसकी तरह ही है, कुछ अलग भी नहीं है। एक जो अच्छी चीज़ नई मुझे मिली है वो है PC Connect। PC Connect में क्या होगा, आपकी जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाएगी आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, और वहीं से आप अपने जो भी आपको फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है, जैसे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, इसी तरीके से आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। बड़े आराम से इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो बहुत ही यूज़फुल फीचर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और ये वाला फीचर जो है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, और ये काफ़ी अच्छा है अगर ओप्पो जैसे फ़ोन्स में ये मिल रहा है, और ओप्पो थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अगली चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी ये ब्रीदिंग लाइट, जो कि हमने देखी है हमारे वीडियो के इंट्रो में। ब्रीदिंग लाइट तब काम करती है जब कोई नोटिफिकेशन आए, या जब आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, और अगर आप इसे चार्जिंग के दौरान हमेशा ऑन रखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग लाइट में यही है, कलर कॉम्बिनेशंस इसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, कस्टमाइज आप नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको बता देता हूँ। हालांकि किस एप्लीकेशन पर आपको ये लाइट चाहिए वो ऑप्शन आपको ज़रूर मिल जाता है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, उन एप्लीकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ओमोजी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्योंकि ये ओप्पो है तो इन्होंने ओमोजी बोल दिया है, जैसे आपको सैमसंग एप्पल में एनीमोजी मीमोजी वगैरह ये सब मिलते हैं, बस वही है, यहाँ पर कुछ नया नहीं है। और इसके अलावा आपको फ्लेक्सिबल विंडोज़ का ऑप्शन मिल जाता है, बेसिकली मल्टीटास्किंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। यहाँ से एक एप्लीकेशन पर क्लिक करिए, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसकी एक छोटी सी विंडो जो है ओपन हो जाएगी, जिसको आप रिसाइज कर सकते हैं, और उसमें आप सारी चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग आसान हो जाए, इसलिए ये काम यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ये ऑप्शन आपको दे दिया गया है, जो कि अच्छी बात हो जाती है। और उसके अलावा जो भी जेस्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं उन सब के बारे में आपको बताया गया है, तो आप इसको याद कर लेंगे तो आप इजीली फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। एक क्विक लॉन्च का ऑप्शन मिलता है, बेसिकली ऐसे ही है कि आपको जहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वहाँ से प्रेस करके रखिए, बिना आपका थंब लिफ्ट करे आप जिस ऐप पर स्लाइड कर देंगे वो ऐप ऑन हो जाएगा। बेसिकली ये बहुत ही यूजलेस चीज़ है, क्योंकि इतना टाइम आप स्लाइड करने में लगाएंगे, आप अपना अंगूठा हटा के एक बार फिर से उस एप्लीकेशन पर टच कर सकते हैं। सिस्टम क्लोनर का ऑप्शन मिलता है, दूसरे यूज़र की तरह पर काम करता है, जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है, तो वो चीज़ें क्लोन हो जाती हैं, आपका फ़ोन एक दूसरा ही फ़ोन बन जाएगा एक तरह से, पासवर्ड डाल के आप उसमें एंटर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, डुअल बैंड वाईफाई तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब चलता ही है, 5G का सपोर्ट आपको मिलता है, काफ़ी सारे बैंड्स पर यहाँ पर मिलता है, तो फ्यूचर प्रूफ फ़ोन ये हो जाता है। पर्सनलाइजेशन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जाएं वॉलपेपर्स में तो बहुत सारे वॉलपेपर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, और चाहें आप तो और भी बहुत सारे वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जो वॉलपेपर है मुझे काफ़ी कूल सा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है, ये वॉलपेपर यहाँ पर हमने सेट कर दिया है, और हर एक वॉलपेपर जो है थीम के अकॉर्डिंग जो है अगर आपने नाइट मोड करा है तो वो डार्क भी हो जाता है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन के। चलिए और इनडेप्थ जाके आपको बताते हैं। जैसे ही क्लॉक है तो इस पर्टिकुलर क्लॉक में भी आपको 10 और क्लॉक मिल जाएंगी, उसमें भी आपको कौन सा कलर असाइन करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपको थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी जो भी आपको शेप चाहिए, जो भी आइकन्स हैं या ऊपर कोई टॉगल्स की जो शेप है वो आपको कैसी चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा पर्सनलाइजेशन के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ आपको आइकन्स के बारे में भी, अगर उनमें भी कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो डेफिनेटली आपको वो भी ऑप्शन मिला है। साथ ही आपको अगर कलर्स चेंज करने हैं तो कलर के अलग से भी प्रीसेट्स दे दिए गए हैं, वो तो आपको मिलेंगे, और साथ ही आप खुद का कोई कलर लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने ये सिलेक्ट करा तो ऊपर जो ग्रीन कलर के आ रहे थे कुछ टॉगल्स, अब देखिए ब्लू कलर के हो गए। तो इस तरह से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं,
और जैसा मैंने बताया, आप अपनी पसंद का कलर भी यहाँ पर पूरी कलर पैलेट में से चूज़ कर सकते हैं, जो कि इनक्रेडिबल चीज़ है, काफ़ी कमाल की चीज़ है, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैंडी हो सकती है। और इसलिए जो है एंड्रॉयड फ़ोन्स बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन आपको मिलते हैं, और ओप्पो ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम डेफिनेटली किया है। बाकी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की एनिमेशन वगैरह चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, और ये ऐसी चीज़ें जो हम बहुत टाइम से बहुत सारे फ़ोन्स में देख रहे हैं। एज लाइटिंग भी हम देखते हैं, एज लाइटिंग में ये होता है जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो एक पर्टिकुलर एज जो होते हैं आपके फ़ोन्स के, वहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइट जो है जल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन आया। ब्रीदिंग लाइट की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी होम स्क्रीन वगैरह, लॉक स्क्रीन में कुछ नया नहीं मिलता, वही सारी चीज़ें हैं जो किसी भी नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में आपको देखने को मिलेगी। साउंड में भी कुछ नया नहीं, एक नई चीज़ है रियल साउंड टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं है, स्मार्टली अडेप्ट कर लेता है, मूवी गेम म्यूज़िक वगैरह जो भी आप सुन रहे हैं उसके हिसाब से साउंड बदल देता है। लेकिन ये भी हमने पहले फ़ोन्स में देखा है। आपको यहाँ पर फेस आईडी और फिंगरप्रिंट सेंसर लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं, एरर्स देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा आपको स्पेशल फीचर्स में आप जाकर देख सकते हैं, जैसे स्प्लिट स्क्रीन करनी है, फ्लेक्सिबल विंडो करनी है, क्विक बटन्स करने हैं, क्विक लॉन्च करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एक किड मोड आपको मिलता है, किड्स मोड में ये होता है कि बेसिकली आप अपना टाइम जो है असाइन कर सकते हैं। अगर आपने घर में किसी बच्चे को किड को फ़ोन देना है तो आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, 30 मिनट के लिए देना है, 25 मिनट के लिए देना है, सारी चीज़ें वहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर एक अलग से आपको पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, सिंपल मोड मिल जाता है जिसमें सारी चीज़ें आपकी होम स्क्रीन पर आ जाती हैं। पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन मिलता है, बता चुका हूँ मैं आपको, और साथ ही आपको यहाँ पर डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं आपकी यूसेज कितनी है, कितनी देर आपने फ़ोन चलाया, ये सब। आउट ऑफ द बॉक्स 24.3 GB यूज मुझे मिली थी आउट ऑफ 256 GB, तो 24 GB यहाँ पर यूज़ थी, और 12 GB इसमें आपको रैम मिल जाती है। उस 12 GB रैम को भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। डिमेंसिटी 1200 मैक्स का यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है, तो वो मैं आपको बताया तो काफ़ी नया प्रोसेसर है, मीडियाटेक का काफ़ी नया अच्छा प्रोसेसर है, तो ये चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। रैम को एक्सपैंड करना है तो +3, +5 और +7 तक आप कर सकते हैं। अभी +5, +7 तक कहाँ से होगा, ये आपकी रोम से होगा, यानी जो 256 GB की स्टोरेज है वहाँ का कुछ हिस्सा जो भी आप यहाँ पर असाइन करेंगे ये फ़ोन जो है रैम की यूज़ करेगा। आखिरी चीज़ यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन अडैप्टिव नहीं है ये, यानी या तो वो हमेशा 90 हर्ट्ज़ पर रहेगी या फिर वो स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज़ पर रहेगी, यानी आपकी बैटरी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है अगर आप उसको 90 हर्ट्ज़ पर ही रखेंगे, तो ये थोड़ी सी ख़राब बात हो जाती है। एनीवेज यहाँ पर हम आते हैं कि फ़ोन कवर के साथ जो इसका डिफ़ॉल्ट कवर आपको बॉक्स में मिलता है उसके साथ कैसा लगता है, अच्छा लगता है, कवर बुरा नहीं लगता, बहुत से लोग कहते हैं ये भी दिखाइए, तो मैं इसलिए इस चीज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, बात करते हैं गेमिंग की, तो यहाँ पर आपको एक गेमिंग मोड भी मिलता है जिसमें आप देख सकते हैं टाइम, टेम्परेचर, बैटरी लाइफ, ये सब तो आपको पता चल ही जाता है। बाकी व्हाट्सएप मैसेंजर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आपको एक गेम में फोकस मोड मिलता है, परफॉर्मेंस मोड मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ओरिएंटेशन लॉक करने का ऑप्शन जाता है, टच ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, इनफैक्ट वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी मिल जाता है, आपकी वॉइस इफेक्ट्स जो है लगा देता है, वॉइस थोड़ी सी बदल देता है। टच ऑप्टिमाइजेशन में आप टच सेंसिटिविटी वगैरह ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस ब्लॉक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। साथ ही कितने FPS पर ये काम कर रहा है, GPU CPU परफॉर्मेंस उतनी परसेंटेज कितनी है वो भी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। और साथ ही तीन मोड मिलेंगे, गेम मोड, बैलेंस मोड और लो पावर मोड, तो मैंने फिलहाल बैलेंस्ड मोड कर रखा है और ये टेस्टिंग जो है बैलेंस्ड मोड पे होने वाली है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए गेम खेलना शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिमेंसिटी 1200 मैक्स जो है आपको मिलता है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नया है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी तारीफ करी जाए ये सही नहीं है। आप लोगों को पता है कि मीडियाटेक जो है ऑलरेडी स्नैपड्रैगन को पीछे छोड़ चुका है और बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस जो है मीडियाटेक की तरफ से मिल रही है। स्टिल इसके बावजूद आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैं गेम खेल रहा हूँ इसमें आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। हाँ, मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर टर्बो दूंगा, मैं यहाँ पर ड्रिफ्ट करूँगा, मैं यहाँ पर बैरल रोल्स करूंगा, मैं बहुत सारे ऐसे काम करूंगा जो कि नॉर्मल रेसिंग करते वक्त आप नहीं करेंगे, लेकिन वो इसलिए है ताकि एक क्रिटिकल टेस्ट यहाँ पर कम वक्त में किया जा सके। और मैंने यही चीज़ देखी है कि फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले, फ्रेम ड्रॉप्स यानी फ़ोन जो है अचानक से थोड़ा सा अटक जाता है, वो फ्रेम जो है गायब हो जाता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब चीज़ देखने को मिलेगी। आप उसको ऐसे आपको थियोरेटिकली कैसे समझाओ वो पता नहीं है, आप देख के समझिए, क्योंकि फ्रेम ड्रॉप्स आपको कॉन्स्टेंटली देखने को मिलेंगे। हाउएवर लैगिनेस नहीं है, लैग नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो गेमिंग जो है किसी भी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए बेस्ट चीज़ होती है, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग। तो अगर आप कुछ भी हैवी इस फ़ोन में करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कमाल की परफॉर्मेंस 12 GB रैम होने के बाद भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाउएवर 40,000 रुपये का ये फ़ोन आता है, उसके हिसाब से इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, जो जिससे आपको निराशा
नहीं होगी। और एक अच्छी बात और है कि बहुत देर गेमिंग करने के बावजूद फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुआ था। हाँ, वार्म ज़रूर हो रहा था, इसका टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस हो गया था लगभग 16 मिनट की गेमिंग के बाद, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हाउएवर ये बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं हुआ था, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप्स उसके बाद भी देखने को मिल रहे थे, तो ये ख़राब बात है। अच्छा, कैमरा में की बात कर लेते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको स्पेसिफिकेशन वाइज बता चुका हूँ। अब इंटरफेस की बात कर लेते हैं, तो फोटो मोड, वीडियो मोड, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। वीडियो में मैक्सिमम जूम 10 टाइम्स आप कर पाएंगे, फोटो में मैक्सिमम जूम 20 टाइम आप कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। साथ ही नाइट मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है, और उसमें भी वाइड एंगल और टेलीफोटो का यूज़ आप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एआई के थ्रू ब्लर क्रिएट कर देगा। इसके अलावा एक्सपर्ट मोड, मूवी मोड, डुअल व्यू वीडियो जो हमने सैमसंग में देखी है, फ्रंट कैमरा रियर कैमरा एक साथ काम करता है, वो आपको मिल जाएगा। प्रो मोड यानी एक्सपर्ट मोड में जो है ISO कंट्रोल करना, शटर स्पीड कंट्रोल करना, मैनुअल फोकसिंग करना, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यानी सारे प्रो लेवल के ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। साथ ही मूवी मोड मिलता है, ये एक बेसिकली प्रो मोड ही है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये भी अच्छा मोड है जो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अच्छा, इसके साथ सेटिंग्स में जाए तो कुछ नया देखने को सेटिंग में भी नहीं मिलता है। कैमरा सेटिंग में कुछ भी नया नहीं है, बाकी सारी वही चीज़ें जो कि हमको किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में देखने को मिल जाएगी। एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा अगर आपको ऑन करना है तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और उसमें आप जूम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वाइड एंगल टेलीफोटो लेंस कोई भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे जब 50 मेगापिक्सल कैमरा पर आप क्लिक कर देंगे। साथ ही रिकॉर्डिंग जो है 4K सिर्फ 30 FPS तक हो सकती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी एक गड़बड़ बात हो जाती है। लेकिन कैमरा में एक अच्छी बात बहुत है कि स्टेबलाइजेशन वाला जो ये ऑप्शन है, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। देखिए, बिना स्टेबिलिटी के देखिए और स्टेबलाइज करने के बाद देखिए, तो अगर स्टेबल शॉट्स आपको इसमें लेने हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए तो बहुत अच्छा होगा। कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं, कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे कैमरा क्वालिटी जो है डिसेंट लगी है, कलर प्रोडक्शन की बात हो या कलर सैचुरेशन की बात हो, सब कुछ बैलेंस था, डिसेंट था, और 40,000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा कैमरा है। हाउएवर जब लो लाइटिंग में आप आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा होने लगती है, कैमरा जो है हल्का सा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर। लेकिन आर्टिफिशियल लाइटिंग में जो कैमरा ने अच्छा काम करा है, वीडियो की क्वालिटी आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी बेकार थी, कुछ खास नहीं थी, लेकिन ओवरऑल कैमरा ने यहाँ पर अच्छा काम करा है अपने प्राइस के हिसाब से। मुझे ये कैमरा पसंद आया है, और फ्रंट कैमरा जो है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ओप्पो वीवो का बेकार के फिल्टर्स लगाते हैं, मुझे फिल्टर्स वगैरह पसंद नहीं है। हाउएवर जो भी आपको देखने को मिला है ठीक ठाक था, लो लाइटिंग में अच्छा परफॉर्म करा है कैमरा, और अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत इनक्रेडिबल कैमरा यहाँ पर नहीं है, ना ऑन पेपर है ना परफॉर्मेंस वाइज है, लेकिन अच्छा कैमरा है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पर इस तरह की स्किन्स लगाना चाहते हैं तो आपको मैं अपने इस वीडियो के स्पॉन्सर गैजेट शील्ड्स के बारे में बता देता हूं कि इनकी एक नई फैब्रिक सीरीज़ आई है जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। ये एक रियल फैब्रिक की तरह फील होता है, ना सिर्फ दिखाई देता है बल्कि फील भी होता है। एक टेक्स्चर यहाँ पर अप्लाई किया गया है, आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो भी स्मार्टफोन आपका है, लगभग सभी स्मार्टफोन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के लुक को। और इसी के साथ आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं, मैट फिनिश चाहिए कोई नॉर्मल फिनिश चाहिए तो वो भी आप पर बता सकते हैं। साथ ही आपके ईयरफोन्स की स्किन है यहाँ पर आपको मिलेगी, लैपटॉप्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो वो सारी स्किन्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। इन लोगों ने मुझे भी एक रिव्यू यूनिट भेजा था जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है, ये जो क्वालिटी है स्किन की, और थिकनेस भी बिल्कुल ना के बराबर पड़ती है। आपको सिर्फ एक ड्रायर चाहिए, और विदाउट ड्रायर भी आप इसको लगा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जब भी आप ये स्किन आपको लेनी हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप ने जो आपको लिंक दिया है उसके थ्रू आप इसे लें। चलिए बात करते हैं अपने फ़ोन के बारे में फिर से। अच्छी बातें क्या है इस फ़ोन के बारे में वो आपको बताता हूँ। पहले देखिए कंपनी का USP क्या है। इस बार मुझे हंसी आ रही थी कि कंपनी ने जो पीछे LED लाइट दी है, अपना USP बनाया है। सभी रिव्यूअर से बोला है जिन्हें प्रोडक्ट भेजे जाते हैं कि आप इसको ज़्यादा हाईलाइट करो। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो हमने नोकिया के पुराने ज़माने के फ़ोन्स में भी देखा है, सामने से ग्लो होता है। सैमसंग ने भी 4-5 साल पहले ये फ़ोन निकाला था, पीछे से ग्लो होता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ खास नहीं है। एटलीस्ट USP के नाम पे कुछ तो अच्छा करते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है आपका कुछ अच्छा होना चाहिए था, वो नहीं करा गया है। ओवरऑल मैं ये कहूँ तो ये फ़ोन जो है अच्छी बात इसकी है, चार्ज बड़ी जल्दी हो जाता है। 31 मिनट कंपनी कह रही है, 50 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है, बड़े आराम से हो जाएगा, और बैटरी लाइफ जो है इसकी अच्छी चल जाती है, एक दिन बड़े आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की उम्मीद मत करिएगा। तो बैटरी अच्छी है, परफॉर्मेंस में जो इशू है बता दिया है, कैमरा में जो इशू है वो मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल ये फ़ोन अच्छा है, 40,000 में आप ले सकते हैं, इससे बेटर ऑप्शन शायद आपको आराम से मिल जाएगा। आई होप ये रिव्यू आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरा नाम है सुरांश, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बोलते ही बात मत आएगी। जय जय हिंद, वंदे मातरम।